إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم व ़िर लकुम दोनोबकुम व मै युत व रसूलहू फ़तफ़ा फन हर तरह की तारीफ़ वबूल के लिए लायक और जेबा जो सारे जहान का अकेला खालक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर सलाम नाजिल हूँ ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन आज के खुतबे में मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है शिरकिया अमाल और मुशरिक का अंजाम। शिरक ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह तल ने जितने नबियों को भेजा उन तमाम नबियों के भेजने का मकसद ये था कि लोगों को तौहीद की दावत दें और शिर्क से बचने की तब्लीग करें अगर कोई आदमी शिर्क करते हुए मर गया तो वो जन्नत में नहीं जा सकता इसीलिए तमाम अंबिया की दावत का नक़ आगाज़ जो था वो तोहद का इकरार और शर्क से बेजारगी शिरक कहते किसे हैं बहुत सारे मुसलमान भी कलमा पढ़ने के बावजूद भी शिरकी आमाल में मुबतला हमारा ये अकीदा है हम ये जानते हैं कि कोई भी मुसलमान जानबूझकर शिरक नहीं करेगा क्यों इसलिए कि शिरक की संगीनी को वो जानता है जो मुशरिक है वो जन्नत में नहीं जा सकता लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका शर्क में मुफ्तला। है क्यों उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि ये शिरकिया काम है अगर मालूम हो जाता तो वो ज़रूर तोबा करते ज़रूर उससे बचते तो मैं आज के खुतबे में बताने की कोशिश करूँगा कि वो कौन से अमाल हैं जो शिरकियाँ हैं जो आदमी को शिरक में मुबतला कर देते हैं और जन्नत से महरूम कर देते हैं सबसे पहले हमें ये जानना है कि शिरक कहते किसे हैं अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है मालिक है हाकिम है रज़ है मुदब्बिर है वही पूरी दुनिया का निज़ाम और सिस्टम चलाता है अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी और के बारे में यह अक़ीदा रख लिया कि वो भी खालिक है वो भी मालिक है वो भी हाकिम है वो भी राज़ है वो भी दुनिया का निज़ाम और सिस्टम चलाने में कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा कर रहा है तो ये शिरक है इसी को शिरक कहते हैं अल्लाह ताला ने कुछ इबादतें अपने लिए ख़ास कर रखी हैं जैसे कयाम करना वो माह कानती रुकू करना वरक उमार री सजदा करना वस जद नजर व करना अल्लाह के नाम की दुहाई देना मुसीबतों परेशानियों में अल्लाह को पुकारना ये सब अल्लाह के लिए ख़ास हैं अगर कोई किसी दूसरे के लिए ये काम अंजाम देता है तो ये भी शिरक़ है किसी के लिए कयाम करता है किसी के लिए रुकू करता है किसी के लिए सजदा करता है मुसीबतों परेशानियों में किसी के नाम की दुहाई देता है मुसीबतों आफतों परेशानियों और बलाओं से बचने के लिए किसी के नाम का विरद करता है तो ये सब शिरक है ये सब अल्लाह के लिए ख़ास है तो ये वो शिरकिया आमाल हैं जिनसे बचना हम सबको ज़रूरी है शिरक दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है बहुत सारे गुनाह हैं जो हम बारह सुनते रहते हैं किसी को कत्ल करना जिना करना चोरी करना ये सब गुनाह हैं लेकिन इन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अगर है तो क्या है शिरक है अल्लाह तबार को ने कुरानी मजीद में फरमाया सुर लुकमान के अंदर इन नशर का लजुल मुलाजिम शिरक अजीम जुल्म है मुशरक अल्लाह की निगाह में सबसे गिरा हुआ इंसान बल्कि अल्लाह तबार को ने कुरानी मजीद में फरमाया शरुलबरी अल्लाह की मखलूक में सबसे गंदा इंसान वो है कितनी मखलूक है अल्लाह की हम तस्वूर नहीं कर सकते हैं कितने गंदे जानवर हैं कितने गंदे कीड़े मकोड़े हैं लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मुशरिक को जो अल्लाह के साथ शिर करता है अल्लाह ने फरमाया बरिया ये अल्लाह की मखलूक में सबसे गंदे लोग हैं इनसे गंदा कोई नहीं है अगर कोई आदमी शिरक की संगीनी को जान ले तो शिरक करेगा नहीं करेगा हमें हमें इस बात का एहसास है कि लोगों ने आवाम को बताया नहीं कि शिरक है क्या अगर बताया गया होता समझाया गया होता तो लोग शर्क के करीब नहीं जाते शिरक सबसे बड़ा गुना है इन शर्क का लविम शिरक से अल्लाह तबार को तला ने मना किया है अल्लाह ने उसको हराम करार दिया सुर नसा की आयत है वह वा अब वाला तुशो भी सैया अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो इसी तरीके से अनाम के अंदर अल्लाह ने फरमाया कुल अतलु मा अतलुमा रब्बुकुम रब अल्लाह तुश को भी सैया अय नबी सल्लासम आप कह दीजिए कि अ लोगो आओ मेरे पास त आओ मेरे पास मा हर्रमा रब्बुकुम मैं तुमको बताता हूं कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए क्या हराम किया है अतलु मा हर रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तो बिही भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हराम किया है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो शिर्क एक ऐसा भयानक जुर्म है जो इंसान की तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है बहुत सारे लोग हैं नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं सदका खैरात करते हैं हज और उम्र करते हैं पुरानी मजीद की तिलावत करते हैं लेकिन शिरक की वजह से उनके तमाम गुनाह बर्बाद हो जाते हैं आप यूँ समझ सकते हैं बेहतरीन किस्म का खाना हो अमा असाम की गजाएँ हो सब दस्तरखान पर लगा हुआ है सब बेहतरीन से बेहतरीन खाने लेकिन अगर उसमें कुछ गंदगी छिड़क दी जाए उसमें गंदगी के चंद कतरात डाल दिए जाएं, क्या कोई भी शख्स क्या कोई भी जी अकल ये बर्दाश्त करेगा कि वो खाना जिसमें गंदगी को छिड़क दिया गया है वो खाना कोई पसंद करेगा तमाम किस्म के बेहतरीन खाने चंद कतरात गंदगी पड़ने की वजह से सब बर्बाद हो गए ठीक इसी तरीके से इंसान के तमाम नेक आमाल शिर्क की वजह से बर्बाद हो जाते अल्लाह तबार सल्लल्लाहु अलैहि करीम को मुखातब करके फरमाया वलकद ऊया इलैका ऐ नबी आपके पास ये पैगाम भेजा जा रहा है व इधी नबिन कबल का आपसे पहले जो पैगंबर आए उनके पास भी यह पैगाम भेजा गया था क्या बतन आमलुख अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे लया बतन अमलुख खासरीन और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे नबी को भी यह बताया गया मेरे भाइयों हमारा यह अकीदा है कि इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे जितनी मखलूक हैं उन तमाम मखलूक में तमाम इंसानों में अगर कोई अफजल इंसान इस दुनिया के अंदर आया है तो मोहम्मद रसोल्लाम लेकिन अल्लाह ताला ने आपको भी कहा लइन अशरक यह बतन अमलुख अगर आप शिक करेंगे तो आपके अमाल बर्बाद हो जाएंगे मुफसरीन ने लिखा है कि नबी तो शिरक नहीं कर सकते हैं नबी को मुखातब करके अल्लाह ने दुनिया के लोगों को यह पैगाम दिया है कि जब हम नबी के आमाल को बर्बाद कर सकते हैं तो तुम्हारे आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे यह नमाज ये रोज़े यह सदका यह खैरात यह हज ये उमरा यह जिक्र ये असकार यह तोबा यह इस्तफार ये कुरान की तिलावत सब बर्बाद हो जाएंगे अगर शिरक आ गया अल्लाह तबारक ने सूरत में यह फरमाई है अनआम में अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे नबियों का तस्करा किया कई नबियों का तस्करा किया और उन नबियों का तस्करा करने के बाद फरमाया वरकुल ये हमारे बड़े बड़े नबी बड़े बड़े पैगम्बर अगर इन लोगों ने भी शर्क किया तो हम इनके आमाल को भी बर्बाद कर देंगे मेरे भाइयों जब अम्बियाए के राम के आमाल शिर्क की वजह से बर्बाद हो जाएंगे तो हमारे आमाल की क्या हैसियत है सियत? हमारे आमाल तो अम्बिया के आमाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है इसलिए हर एक को शिर्क से बचना हर एक को अपने आप को शिर्क से बचाना इसी तरीके से जो आदमी शिर्क करता है जिसको हम कहते हैं मुशरिक यह हमेशा जहन्नम में रहेगा दीगर गुनाह हैं एक इंसान कत्ल किया है अल्लाह ताला जब चाहेगा उसको जहन्नम में रखेगा और जब चाहेगा निकाल कर फिर जन्नत में दाखिल करेगा अगर उसका ईमान सही रहा है किसी ने जिना किया है किसी ने चोरी की है किसी का हक़ दबाया है अल्लाह ताला जब तक चाहेगा उसको जहन्नम में रखेगा लेकिन अगर उसका ईमान सही और दुरुस्त था तो सज़ा पाने के बाद अल्लाह ताली उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा लेकिन एक मुशरक अगर शिरक करते हुए मर गया तो वो जहन्नम से कभी नहीं निकलेगा वो हमेशा हमेश जहन्नम में ही रहेगा अल्लाह ताला ने फरमाया फकद शरीक बिल्ला फ़क्त हर रम सूरह माईदा की आयत है जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया व माँ अवान्नार और उसका ठिकाना जहन्नम है एक जानी जन्नत में जा सकता है एक चोर जन्नत में जा सकता है एक कातिल जन्नत में जा सकता है लेकिन एक मुशरिक जन्नत में नहीं जा सकता मुशरिक के ऊपर जन्नत हराम है चाहे वो नबी के खानदान ही का क्यों ना हो चाहे वो नबी का बेटा क्यों ना हो चाहे वो नबी का बाप क्यों ना होतेम उनका बेटा नाफरमान था अल्लाह ने दुनिया में भी डुबो दिया आखरत में भी है तो नूह उनसे काम नहीं आ सकेंगे चाहे नबी की बीवी ही क्यों ना हो अल्लाह ताली ने हैत नू हैत लूत की बीवी का तस्करा कुरान मजीद में सूरह तहरीम में किया है चाहे नबी का बाप ही क्यों ना हो हैत इब्राहिम अलतम ने अपने बाप के लिए दुआ की अल्लाह तला ने डांट दिया कहा इब्राहिम आपको बताया गया है कि हमने मुशरिक के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है इसलिए आप अपने वालिद के लिए दुआ हरगिज़ न करें मेरे भाइयों बहुत सारे लोग ए, कुछ बुजुर्गों के नाम ले करके कहते हैं हम इनका दामन पकड़ कर जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत में जाएगा कि नहीं इसकी गारंटी है नबी की बीवी नहीं जन्नत में जा पा रही है नबी के बाप को अल्लाह ने जन्नत से महरूम कर दिया है नबी के बेटे को अल्लाह ने धुतकार दिया है खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में अबू तालिब के बारे में अल्लाह से सिफ़ारिश की तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कहा नहीं मुशरिक के लिए आप दुआ नहीं कर सकते हैं। है तब्बास रजी अल्लाह तआला पूछते हैं कि उन्होंने आपकी बड़ी खिदमत की थी उसका कुछ फ़ायदा हुआ तो कहा मैंने देखा है कि जहन्नम में उनको आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिससे उनका दिमाग खोलता रहेगा नबी के चचा नबी का साथ देने वाले नबी से कहने वाले बेटे जब तक ये तेरा बूढ़ा चचा जिंदा है तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता किसने कहा था अबू तालिब ने कहा था ये बूढ़ा चचा जब तक जिंदा है तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है और जब तक अबू तालिब जिंदा रहे मक्का के लोग नबी के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सके थे आपको मालूम होना चाहिए लेकिन हमारे नबी अपने चचा को जहन्नम से नहीं बचा सके ये मिसालें हैं हम समझते हैं इनका दामन पकड़ के चले जाएंगे उनका दामन पकड़ मेरे भाइयों होश में आओ ये जज्बाती नारों को ख़त्म करो हकीकत की दुनिया में आओ तो की मालूम हासिल करो मुशरक हमेशा जहन्नम में रहेगा गए इन नयू शरक बिफ फ़त हर रमल्ला जन्न वमा नार जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है उसका ठिकाना जहन्नम है सुर माहा की आयत है सही बुखारी की अब्दुल्लाह अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह कहते हैं नबी ने फरमा तो जो शख्स इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारता था दखलन्नार वो जहन्नब में जाएगा वो जन्नत में नहीं जा सकता है मुशरिक के अंदर बहुत सारी खूब खामियाँ हैं जिसमें से एक बड़ी खामी यह है कि अल्लाह की तज़ीम कम हो जाती मुशरक़ अल्लाह की अज़मत को नहीं समझता है वो जिसके साथ शिरक करता है ना उसी को बड़ा मर्तबा देता है इसीलिए अल्लाह तबारक ने मजीद में फरमाया कि जब एक अल्लाह की बात की जाती है जब तौहीद की बात की जाती है तो मुशरिक बेचैन हो जाता है मुशरिक तड़पने लगता है और जब अल्लाह के अलावा दूसरों की बातें की जाती हैं बहुत खुश हो जाता है आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या वही तौहीद की बातें लेकिन जब बुजुर्गों के करामात बुजुर्गों के किस्से वलियों की कहानियाँ बताई जाए लोग बहुत खुश हो जाते हैं मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कह दिया था जब एक अल्लाह का तस्करा किया जाता है तो मुशरकिन की जिंदगियों में बेचैनी हो जाती है और जब अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों का तस्करा किया जाता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं मुशरक़ के दिल में अल्लाह की अजमत नहीं होती है मुश्क अल्लाह की तज़ीम को नहीं समझता अल्लाह तबारक तरमा सुर बकरा की आयत है वो मीना से मैत तखिदी लोगों में से कुछ लोग हैं इंसानों में से कुछ लोग हैं है, मै अंदादा, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को शरीक ठहराते हैं यू ही वो अपने उन नबूदों से अपने उन बुजुर्गों से ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए है नहीं? उन बुजुर्गों का वैसे ही एहतराम करते हैं उनके पास बैठते हैं अदब के साथ बैठते हैं, तवस्सुल हासिल करते हैं उनका नाम अदब से लेते हैं उनके उनके कब्रों के इर्द गिर्द बैठ करके विर्द करते हैं मेरे भाइयों अल्लाह ने फरमायाबू वो अपने उन माबूदों से अपने उन बुजुर्गों से जिनको उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वल्लीन आमनु अशद लेकिन जो मोमिन है वो अल्लाह से इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुशरिक अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में पड़ा हुआ है मुशरिक अपने वलियों की मोहब्बत में पड़ा हुआ है मुशरिक अपने बाबाओं के मोहब्बत में पड़ा हुआ है लेकिन एक माहिद एक तो परस हकीकत में किससे मोहब्बत करता है अल्लाह से मोहब्बत और उसकी मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होती है तो मुशरिक के दिल में अल्लाह की अजमत नहीं रहती मुशरिक के दिल में अल्लाह की ताजीम नहीं रहती ये उसकी बदनसीबी है कि अल्लाह से ज्यादा वो दूसरों से मोहब्बत करता है अल्ला अल्लाह के अल्लाह से ज़्यादा वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है इसी तरीके से अगर कोई आदमी शिरक करता है तो ये शिरक उस मुशरिक को तबाही और बर्बादी की घाटियों में पहुंचा देता है एक इंसान अगर कोई आपके माल पर डाका डाले आपका माल चला गया यकीनन बहुत बड़ी बदनसीबी है लेकिन आप कल कमा सकते हैं आप कल फिर माल कमा सकते हैं लेकिन एक आदमी आदमी के ईमान पर डाका डाल दिया उसको उसके ईमान में शिर्क की आमेदिश कर दी तो फिर तो ये बराबर बैठ तो ये सबसे बड़ा घाटा क्या है इंसान के दिल में तोहद का ना होना तोहहीद या अल्लाह की सबसे बड़ी है। मुशरक ये इस नेमत से महरूम हो जाता है उसका तोहीद डैमेज हो जाता है उसका तोहद खराब हो जाता है अल्लाह तबारक ने कुरानी मजीद में फरमाया वो मयूशरक़ बिल्ल फ़न्न मर्रमिन जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है फ़न्ना खर्रमिन वह आसमान से गिर रहा है यानी तोहद ने उसको बुलंदियों पर पहुँचा दिया था तोहद ने उसको आला मकाम अता किया था लेकिन वह शिरक करने की वजह से उस मकाम से गिर रहा है फ़न्ना खर्रमिन वह आसमान से गिर रहा है फतः तफह तैर उसको आसमान से गिरते हुए जमीन पर गिरने से पहले क्या किया परिंदों ने उचक लिया ना आसमान का रह गया ना जमीन का रह गया इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया या उसको तेजो तुंद हवा ने एक, एक, एक बे आबो गया मैदान में ले जाकर गिरा दिया यानी ना वो दुनिया का रह गया ना आखरत का रह गया ना जमीन का रह गया ना आसमान का रह गया यानी मुशरिक जो है वो कहीं का नहीं रह जाता है वो बर्बाद हो जाता है तबाह हो जाता है उसकी दुनिया और आखरत दोनों तबाह हो जाती है तो मुशरिक ये कहीं का नहीं रह जाता है जैसा कि अल्लाह ने सूरह हज में ये आयत बयान फरमाई है इसी तरीके से मुशरिक को अल्लाह ताला ने नजिस कहा है मुशरिक नजिस है नापाक है गंदा है नजिस किसे कहते हैं गंदगी को एक आदमी खलीज रहता है गंदा रहता है लोग उसके साथ बैठना उसके साथ बातचीत करना नापसंद करते हैं। मुशरिक गरचे उसके कपड़े अच्छे हैं गरचे वो नहा धो करके आया है लेकिन अल्लाह ताला ने उसको नजिस कहा क्यों उसका जिस्म तो पाक है लेकिन उसका रूह गंदा है उसकी रूह जो है वो गंदा है उसका जिस्म पाक है उसके कपड़े पाक हैं लेकिन उस, उस, उसकी अखल उसका दिमाग ये गंदा अल्लाह तबारक वाली ने सूर तौबा में फरमाया या अयुहल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वालो इन्नमल मुशरिकून नजसुन ऐ ईमान वालो जान लो तुम्हारे दिल में ये बात बैठा लो कि मुशरिक नजस हैं नापाक हैं गंदे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतेह किया सन आठ हिजरी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया क्या ऐलान किया कि अब आज के बाद से कोई मुश्रक मक्का में नहीं आ सकता है क्यों ये मक्का हरम है और मुशरक नापाक है गलीज है गंदा है वो यहाँ नहीं आ सकता इन नमल मशरकों ने नजस मुशरक नजस है अल्लाह ताला ने इनको नजस कहा नापाक कहा गंदा कहा घरचे वो घर चेहरे नहा धोकर के कपड़े पहन करके खुशबू लगा करके मतर होकर के लोगों के सामने आए लेकिन इनके दिलों में गंदगी है इनके दिमाग में गंदगी इनके जहन में गंदगी मेरे भाई और शिक्क से तोबा करो ये आयन मुमकिन है मैं जानता हूं इतनी बड़ी जमात बैठी है सैकड़ों की तादाद में हो सकता है आपसे गलतियां होती हूं हो सकता है आपसे गुनाह होता हो सकता है आपने शिरकिया काम कर लिया कोई बड़ी बात नहीं अभी तोबा कर ले तोबा कर ले अभी तोबा कर ले हम जुमा की नमाज पढ़ने से पहले अभी तोबा कर ले किसी को बताने की जरूरत नहीं है बस आप अल्लाह के सामने रोए ऐ अल्लाह मुझे मालूम नहीं था हमने शिरकिया काम कर लिए हमें मालूम नहीं था शिर्क की संगीनी को हमें मालूम नहीं था शिर्क की भयानक तबाही बर्बादी को अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे कलमा पढ़ लें अल्लाह माफ़ कर देगा मेरे भाइयों शिर्क इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है शिरक इंसान को नजस कर देता है पलीत कर देता है गंदा कर देता है या अयोल लदीना इन नमन मुशरकू नजर सुन आए मोमिन सुन लो मुशरिक अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला नजस है पलीद है गंदा है अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया वह शिरकिया अमाल जो हमारे ईमान को डैमेज कर देते हैं हमारी तोहेद को बर्बाद कर देते हैं वो शिरकिया आमार क्या है नबी की तारीफ में गलू करना मेरे भाइयों अगर कोई नबी की तारीफ में गलू करेगा मोहब्बत में ही तो करेगा कि नफरत में करेगा किसी की बहुत ज्यादा मोहब्बत भी आपको शिरक में मुबतला कर देती है आप पुरानी तारीख पढ़ें यहूदों नसारा ने अपने नबियों से इतनी मोहब्बत की कि नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ गई नतीजा क्या हुआ वो मुशरिक हो गए नतीजा क्या हुआ उनका तोहीद जो है खराब हो गया अल्लाह के नबी वसल्लम को ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मेरी उम्मत के लोग भी अगली उम्मतों की तरह से मेरी मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाएं और वो शिर्क तक पहुंच जाएं नबीसल ने अपनी उम्मत को आगाह कर दिया अटेंशन कर दिया क्या कहा ला कमा मेरी उम्मत के लोगो तुम मेरी मोहब्बत में गुलू नहीं करना जैसा कि ईसाइयों ने ईसा की मोहब्बत में गुलू किया फा अब बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं फकुल अब्दुल्ला व रसुल मुझे अल्लाह का बंदा कहो मुझे अल्लाह का रसूल कहो लेकिन आज आज लोगों ने नबी की मोहब्बत में गुलू किया मुसलमानों का एक बड़ा तबका नबी से मोहब्बत करके शिरक में मुबतला हो गया नबी की मोहब्बत इतनी ज्यादा की कि अल्लाह से आगे बढ़ा दिया तोहद के पल्ले में वहदत के सवा क्या है लेना है हमें जो कुछ ले लेंगे मोहम्मद से इस तरीके से लोगों ने अल्लाह को कम कर दिया नबी को ज्यादा कर दिया यकीनन नबी की मोहब्बत हमारे लिए ज़रूरी है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है लेकिन यह मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है जमनन बात बता देता हूँ अल्लाह ताला ने नबियों का भी इम्तिहान लिया कि कहीं कोई नबी अपने औलाद की मोहब्बत में अपने आहलोयाल की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत कम तो नहीं कर दिया है आपसे सवाल है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल को जबह करने का हुक्म दिया क्यों दिया मकसद क्या था कभी गौर किया आपने मकसद यह था कि एक तरफ अल्लाह का हुक्म है दूसरे तरफ बेटी बेटे की मोहब्बत है अगर अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो बेटे को ज़बह करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर बेटे की मोहब्बत गालिब आई तो अल्लाह के हुक्म को ठुकरा देंगे अल्लाह ताला ने अम्बिया को भी आजमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की मोहब्बत पर किसी दूसरे की मोहब्बत गालिब आ गई हजरत इब्राहिम ने क्या किया अपने बेटे को तैयार किया जबह करने के लिए मीना में पहुँचे छुरी को गले पर रख दिया अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम बस हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे हम तुम्हारे बेटे की जान लेकर के क्या करेंगे हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बेटे की मोहब्बत में पढ़ के अल्लाह की मोहब्बत में कमी आ गई हो मेरे भाइयों अल्लाह की मोहब्बत पहले है उसके बाद किसी और की मोहब्बत नबी से मोहब्बत करना ईमान की दलील है लेकिन नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाए यह गलत हो जाता इसलिए जो हजरात भी नबी की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब किए हुए हैं उनको अपनी असलाह कर लेनी चाहिए अल्लाह के नबी ससर ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इबन मरियम अरे उम्मत के लोगों मेरे, मेरे मकाम व मरतबे को इस कदर नहीं बढ़ाना जैसा ईसा इबन मरियम के लोगों ने उनके मरतबे को बढ़ा दिया फैन ब्दुल्ला ही मैं अल्लाह का बंदा हूँ फकुल अब्दुल्ला ही व रसूल हो मुझे अल्लाह का बंदा कहो मुझे अल्लाह का रसूल कहो खबरों पर सजदा करना खबरों पर सजदा करना हराम है शिरक है मुसलमानों का एक बड़ा तबका खबरों पर जाकर सजदा करता है अल्लाह तबारक तआला ने खबरों पर सजदा करने से मना किया इसी तरीके से खबरों को पुख्ता बनाना अल्लाह के नबी वसल्लम के ज़माने में जो पुख्ता कब्रें थीं आपने हजरत अली रजी अल्लाह तला को भेजा कहा अली जाओ जितनी पुख्ता कब्रें हैं सबको तोड़ दो जिस नबी ने पुख्ता कब्रों को तोड़ने का हुक्म दिया उस नबी के मानने वाले आज कब्रों को पुख्ता बना रहे हैं ये ये शिरकिया आमाल यही से शिर्क पैदा होता है और शिर्क ज्यादातर कब्र से ही निकलता है मैंने बताया था पहले बहुत पहले बता चुका हूँ है सलाम के ज़माने में शिर्क का दौर कैसे शुरू हुआ कब्र को ही लेकर हुआ था बुज़ुर्गों की तज़ीम से ही हुआ था तो अल्लाह तबार व तआला ने इसको हराम करार दिया है कब्रों को पुख्ता बनाना कब्रों की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना अल्लाह के नबी तमाम चीज़ों से मना किया सही मुस्लिम की हदीस नाह रसूल सल्हल कब्र अल्लाह के नबी नबीम ने इस बात से मना किया है कि कबर को पुख्ता किया जाए कबर पुख्ता करना का मतलब क्या होता है चूना गच करना सीमेंट लगाना आज कबर पुख्ता नहीं कर रहे बल्कि कबरों पर बड़े बड़े मार्बल लगाए जा रहे हैं ग्रेनाइट लगाए जा रहे हैं और बाकायदा नाम लिखा जाता है ये सारी चीज़ें कहाँ से आई जिंदगी भर बेचारा मुसीबतों परेशानियों में गुजारा मरने के बाद उसके कफर पर ग्रेनाइट लग रहा है जिंदगी में जो उसके लोग हैं पता नहीं झोपड़ियों में रहते हैं खाने का इंतज़ाम है कि नहीं कबरों को लोग सजा रहे हैं कबरों पर पत्थर लगा रहे हैं कबरों पर कतबे लगा रहे हैं नाम लिख रहे हैं खुल्द आशियाँ बना रहे हैं हमें कैसे खुल्द आशियाँ माने जन्नत में पहुँच गए खुल्द के माने जन्नत आशियाँ के माने घर खुल्द आशियाँ यानी जन्नत में ये पहुँच गए कैसे हमको मालूम हुआ वो जन्नत में पहुँच गए कैसा लोग लिख देते हैं और उसके बाद कुरान की आयतें भी लिखते हैं बाज़ लोगों के मरने के बाद उसके उहदे भी लिखते हैं ये वकील था ये आलिम था ये फला था ये क्या है ये सब चीज़ें तो ये सब आमा इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए नहा रसोलसमुजल क़ब्र के नबीसलम कब्र को पुख्ता करने से मना किया वयुक आदा अलई ही पर बैठने से मना किया लोग जाते हैं मिट्टी देने के लिए कब्रस्तान में जगह नहीं रहती है तो कब्र पे बैठ जाते नहीं बैठना चाहिए दूसरा मफहूम यह है कब्रों पर मुजावरी अख्तियार करना आज मुजावरों करोड़ों में है लोग जाकर के वहाँ चढ़ाव चाहते हैं नजर व न्याज करते और मुजावर मुजावर उन सबको लेता है तो कब्रों पर बैठ कर मुजावरी करना हराम है इस्लाम में वहीं यू बना आल ही कबर के ऊपर इमारत बनाना गुम्बद बनाना ये सारी चीज़ें उम्मत ने किया जिससे हमारे नबी ने मना किया था वही चीज़ें लोगों ने की इसी तरह सही बुखारी की हदीस है लानत यह वा इतूरबिया मसाजिदा अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर नसरानियों पर उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इन चीज़ों से किसी की कब्र को सजदा ना किया जाए किसी की कब्र की, की तरफ़ नमाज ना पढ़ी जाए हतायशा से दिका रजी अल्लाह कहती हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह डर ना होता कि लोग आपकी खबरों पर सजदा करने लगेंगे आपके खबर पर हाजिरी देंगे वहां वो काम करेंगे जो पिछली उम्मतें करती आई हैं, तो यकीनन आपकी खबर भी आम मैदान में बनाई जाती इसी से बचने के लिए आपके खबर को अंदर रखा गया अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के नबी ससर की खबर आज तक महफूज है हमारे नबी ने दुआ की थी अल्लाहरी वसना अल्लाह मेरी खबर को वसन नहीं बनाना बुत नहीं बनाना लोग मेरी खबर पर आकर सजदा करें लोग मेरी खबर पर बैठ कर मुजावरी अख्तियार करें लोग मेरे खबर पर बैठ कर के माला जपाएं, अरे अल्लाह मेरी खबर को इससे महफूज रखना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबार को तला रह करेम करे सऊदी हुकूमत पर उन्होंने इसको महफूज रखा आज तक महफूज रखा है वरना नबी की ख़बर की मिट्टी उठा ले जाते लोग आज बकी में जाते हैं बकी बकरीकत जिसको हम जन्नतलबकी कहते हैं जहां साहब कराम की कब्रें हैं बहुत सारे जाहिल मुसलमान जाकर के वहां से मिट्टी उठा कर लाते वो मिट्टी से क्या होता है अगर नबी की कबर खुली होती तो आज नबी की कबर पर एक 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 मिट्टी भी नहीं होती लोग कैसा करते तो मेरे भाइयों अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह उनकी खबर को महफूज रखे इसी तरीके से अल्लाह के नबी सन फरमाया ला तुसल्लु कुबूर कब्रों की तरफ रुख करके नमाज न पढ़ो वला तजलिसु अलैहा और कब्रों पर बैठो मत यानी कब्र पर बैठना कब्र की तहकीर है कब्र वाले की तहकीर है और किसी कब्र में कोई मदफून है उसके कब्र पर आप मत बैठें ये ये पक्की कब्रें नहीं बनाए होते तो कोई बैठता नहीं ये पक्की कब्रें बनाकर लोग बैठने लगे मार्बल है बैठ जाता है ग्रेनाइट है बैठ जाता है हम लोगों को मौका फराहम करते हैं मुजावरी का पेशा लोगों ने अख्तियार किया और मुजावरी भी खानदान दर ख़ानदान एक कबर की मुजावरी अख्तियार करने के लिए लोग केस लड़ते हैं कि इसका मुजावर मैं हूँ ये मेरे खानदान का है कहाँ कहाँ चली गई ये उम्र आज लोग कबरों के पैसे खा रहे हैं क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के ये मुसलमानों की हालत तावीज़ पहनना आज मुसलमानों में आम हो गया है गले में तावीज़ हाथ में तावीज़ कमर में तावीज़ काले धागे लाल धागे पहले हम लोग देखते थे कि कोई आदमी काला धागा पहना है लाल धागा पहना समझते थे ये गैर कौम है लेकिन आज तो पहचानना मुश्किल हो गया मुसलमानों के पैरों में काले काले धागे हाथों में काले धागे गले में तावीज़, कमर में तावीज़ अल्लाह के नबी ससुल फरमाया बेशक तावीज़ पहनना शर्क है मन अल्लाका तमीम तनफ़त अशरक जिसने तावीज़ को लटकाया तावीज़ पहना वो कहीं भी हो शिरक है मुसलमानों का एक बड़ा तबका तावीज़ पहन रहा है बच्चों को पहना रहा है काले धागे पहना रहा है क्यों मुसीबत से बचने के लिए परेशानी से बचने अरे मुसीबत और सबसे बड़ी मुसीबत तो वो है जो कर रहा है शैतान को खुद दावत दे रहा है शैतान अब अब उसका ईमान चला गया वो आदमी शिर्क में मुबतला हो गया अब वो मुसीबत से कैसे बा? अब तो वो बड़ी मुसीबत मोल ले लिया है अब तो वो बड़ी मुसीबत मोल ले लिया है ताबीज पहन करके गंडे पहन करके छल्ले पहन करके अपने आप को तोहेद से खाली कर अब तो बड़ी मुसीबत आ गई है इसलिए उस मुसीबत से अपने आप को बचाओ तावीज़ को काट कर फेंक दो साहब कराम जब देखते थे कोई तावीज़ में ना उसको काट देते थे समझाओ उसको बताओ ये शिरक है नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है अगर वो आपको फायदा पहुंचाना चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता नुकसान पहुंचाना चाहे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता गैरुल्ला की कसम खाना आज बहुत सारे लोग माँ कसम बच्चे की कसम लोग कसम का अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हल्फा बेरुल्ल फ़कद अशरक जिसने गैरुल्ला की कसम खाई उसने शिर्क किया कब्रों का तवाफ़ करना तवाफ करना सिर्फ हरम के लिए है मक्का मकरमा में जो काबतुल्लाह है अल्लाह अल्ला ने फरमाया वलिय तव्फू बिल्बई अतीक़ इस पुराने घर का तवाफ करो लोग कबरों का तवाफ कर रहे हैं सात चक्कर मार रहे हैं यही है ईमान अकीदा मुसलमानों का ये शिरक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के मामला में अल्लाह के सिफात में शरीक ठहराना ये शिरक है एक एक शख्स अल्लाह के नबी नबीसलम की खिदमत में आया और कहा कि अल्लाह के रसूल इन शाह अल्लाह वशीता अगर आप चाहें और अल्लाह चाहे तो मेरा ये काम हो जाएगा आज हम लोग कहते नहीं अल्लाह रसूल चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह रसूल चाहे तो कोई मुश्किल अल्लाह के चाहने से होता रसूल के चाहने से नहीं होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में थे टेक लगाए हुए बैठे थे जब उस शख्स ने कहा इनशा वशीता अल्ला अगर अल्लाह चाहे और आप चाहें तो मेरा ये काम हो जाएगा तो नबी ने क्या फरमाया फरमायाजाल तला कुल इंशा अल्लाह तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया अल्लाह का शरीक बना दिया कुल इनशा अल्लाह कहो अगर अल्लाह अकेला चाहे मेरे भाइयों अल्लाह के चाहने से होता है किसी दूसरे के चाहने से कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों हमारे नबी को भी अख्तियार नहीं है अगर नबी के चाहने से होता तो आप अपने चचा को मुसलमान बना देते लेकिन आप अपने चचा को मुसलमान नहीं बना सके अबू तालिब मर रहे हैं इंतकाल हो रहा है नबी ने अपना कान अपने चचा के मुंह पर रख दिया और कहा मेरे चचा जान धीरे से मेरे कान में कलमा पढ़ लो ताकि क्यामत के दिन मैं अल्लाह से हुज्जत कायम कर सकूं। दो शैतान बैठे हुए थे कहा अबू तालिब आखिरी वक्त में तुम बेदीन हो जाओगे अबू तालिब ने आखिरी जुमला जो कहा अल्लाह मिल्लत अभी मैं अपने बाप की मिल्लत पर मर रहा हूं। अबू तालिब दुनिया से चले गए ईमान नसीब नहीं हुआ मेरे भाइयों अगर नबी की चाहत से कुछ होता तो आप वसल्लम अपने चचा को साहिब ईमान बना देते मेरे भाइयों अल्लाह के चाहने से होता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को शर की आमाल से बचने की तौफीक नायत फरमाए अल्लाह हम सब को मजबूती के साथ तौहीद को अपनाने की तौफीक नायत फरमाए शिर की गलाजतों से अल्लाह हम सब की हिफाज़त फरमाए हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए हमारे नस्लों की हिफाजत फरमाए ऐ अल्लाह हम सब को तोहद परस्त बना दे तो पर अमल करने वाला तौहीद को लोगों तक पहुँचाने वाला तोहीद की तबलीग करने वाला तोहहीद की तहरीक को चलाने वाला बना दे मौला हम सब को सच्चा पक्का मुसलमान बना दे जब तक दुनिया में रख इस्लाम पर कायम रख खात्मा हो तो ईमान बिल बिलखैर पर हो रबना तोना इन नंत अलीम, व तुब अलना इन नंत तो बेरहमति कामी الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واقيم الصلاة